को जगाती है सिंगल बयानी और फिदा इनके तकरीर पर है यकीन गुलों की तबस्सुम कली की जवानी इमदाद कुन इमदाद कुन अजबंदे गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया साद कुन या गौसे आजम दस्तवीर मिम्बरे रसूल पे बैठे हुए बाबा कार उलमाई किराम बिरादराने मजलिस इस्लामी रिश्ते से लगने वाली मेरी माँ बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज से पेशतर वाज़ो नसीहत से कबल आकाई नामदार मदीने के ताजदार बेकसों के कस बेसहारों के सहारा अब्दुल्ला का राज दुलारा हजरत आमीना के आंखों का तारा जिनका उंगली का इशारा हुआ तो डूबा हुआ सूरज पलट आया जिनका उंगली का इशारा हुआ तो चांद में टुकड़े हो गया। आइए उसी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ वालिहाना अंदाज में दुरूद पाक कह दिया पेश करें पड़े वावाजे वला अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुबारक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तेरा हल है तेरा हरम गौसे आजम जिंदाबाद तेरा हल है तेरा हरम गौसे आजम तेरा हल है तेरा हरम गौसे आजम अरब तेरा तेरा आजम गौसे आजम बोले तरफ के सुभान अल्लाह। ये दिल ये जिगर है ये आंखें ये सर है बोले तरफ के सुभान अल्लाह। ये दिल ये जिगर है ये आंखें ये सर है अरे जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और सारी इस्लाम इस साथ फरमाते हैं दिल के आंखों से काम लेता हूँ बोले तो के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल के आंखों से काम लेता हूँ उनके दामन को थाम लेता हूँ बेशक दिल के आंखों से काम लेता हूँ उनके दामन को थाम लेता हूँ और दूर हो जाती है हर मुश्किल मेरी दूर हो जाती है हर मुश्किल मेरी अरे जब मैं गौसे आजम का नाम लेता हूँ और बदलने को हमारी तकदीर आए है ये हमारा अकीदा है बस का नजरे करम पर जाए तो हमारी तकदीरें बदल जाएगी क्योंकि निगाहें वली में उतासी देखी बदलती हजारों तकदीर देखी बदलने को हमारी तकदीर आए हैं वो देखो बगदाद के दस्तगीर आए हैं और सर झुका के अदब से करो इस्तकबाल उनका अरे वलियों के शान शाह मेरे पीराने पीर आए हैं वलियों के शान शाह मेरे पीराने पीर आए हैं और जश्ने गौसुल भरा जब मनाने लगे जश्ने गौसुल भरा जब मनाने लगे तो हर वली मेरे घर आने जाने लगे बोले तो बिस्मिल्लाह जश्ने गौसुल भरा जब मनाने लगे तो हर वली मेरे घर आने जाने लगे और जब किया उस ज़ईफ़ा ने इज़हार गम जब किया उस ज़ईफ़ा ने इज़हार गम तो बीबी कश्ती पर आती तराने लगे
कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानता है। एक बार का वाकया है, हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु दरियाए दजला के पास सैर करने जाते हैं। मेरे गौसे पाक क्या देख रहे हैं, एक बूढ़ी औरत 90 साल की औरत जो दरिया की तरफ रुक करके रो रही है। क्या कर रही है? रो रही है। मेरे हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस औरत को एक दिन देखे, दो दिन देखे, तीन दिन देखे, मुसलसल कई रोज तक देखते रहे। एक दिन पूछ पड़े, अरे मेरी बूढ़ी माँ, अरे बूढ़ी औरत, तू यहाँ पर क्यों आकर रोजाना बैठी रहती हो और दरिया के तरफ रुक करके क्यों रोती हुई नजर आती हो? वह बुढ़िया पुरानी चेहरा देख कर और रोने लगती है। मेरे गौसे आजम दोबारा इशारा थपाते हैं, अरे मेरी माँ, अरे बूढ़ी औरत, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर बात क्या है, आखिर माजरा क्या है, आखिर दरिया के तरफ रुक करके नजर क्यों आती है? तो बुढ़िया औरत जवाब देती है, ले सुन, मेरा एक बेटा था, मेरा एक लगते जिगर था, मेरा एक दिल का टुकड़ा था, जो शादी करने के लिए कश्ती पे सवार होकर दरिया के उस पार गया था। और जब वो उधर से शादी करके आ रहा था, जैसे ही कश्ती बीच दरिया में पहुंची, मेरा बेटा मुझे देख रहा है, मैं अपने बेटे को देख रही हूँ, मैं अपने बेटे को देख कर मुस्कुरा रही हूँ कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा दुनिया में आ रहा है। इतना कहना था और इतना कहना था कि दरिया में अचानक तूफान हो जाता है और दरिया गर्क हो जाता है, उसका बेटा डूब जाता है। और बुढ़िया कहती है, जब भी मेरे बेटे की याद मुझे सताती है, जब भी मेरे लगते जिगर की मोहब्बत मुझे सताती है, मैं आके उस जगह को देख लेती हूँ जहाँ पर मेरा बेटा डूबा है, और उस जगह को देखकर अपने दिल को तसल्ली दे लिया करती हूँ। इतना कहना था कि गौसे आजम मुस्कुराने लगते हैं। बुढ़िया का आंख गुस्से से लाल हो जाता है, आखिर ये आदमी कैसी बात कर रहा है कि मेरा बेटा डूबा, मेरी दुल्हन डूबी, मेरे दोस्तों अहबाब डूबे, और ये जो है मुस्कुरा रहा है। तो मेरे गौसे आजम कितना प्यारा जवाब देते हैं, ऐ मेरी बूढ़ी माँ, अभी कुछ देर के बाद तू भी मुस्कुराएगी। ज्यादा हो जाती है, आखिर बात क्या है, आखिर माजरा क्या है, आखिर ये इंसान कैसी बात कर रहा है? तो फिर गौसे आजम ने कहा, जो तुम्हारे आंखों के सामने कश्ती डूबी है, आज ये अल्लाह का बंदा, रसूल का दीवाना गौसे आजम उसे पार करेगा। बुढ़िया कहती है, एक दिन नहीं हुआ, दो दिन नहीं हुआ, तीन दिन नहीं हुआ, एक महीना नहीं हुआ, दो महीना नहीं हुआ, एक साल नहीं हुआ, तीन साल नहीं हुआ, बल्कि पूरा 12 साल पहले कश्ती डूबी है, आखिर वह कश्ती कैसे पार निकल सकती है? मेरे गौसे आजम कहते हैं, चलिए अल्लाह का बंदा उस कश्ती को निकाल रहा है। फौरन उस बुढ़िया के हाथों को गौसे आजम पकड़ते हैं और दरिया के पास लेके चले जाते हैं और दरिया के तरफ रुख करते हैं। ऐ दरिया, जो तूने 12 साल पहले बारातियों की कश्ती अपने सीने में तबोची है, अपने सीने में लेके बैठी है, आज ये अल्लाह का बंदा, रसूल का दीवाना गौसे आजम तुझे हुक्म दे रहा है, उस कश्ती को पार कर दे। अरे जैसे पीरों के पीर रोशन जमीन से गिरता है, वही उदिल अब्दुल कादिर जिलानी ये हुक्म दरिया को देते हैं। दरिया कहती है, अरे जल्दी करो, जल्दी करो, हमें गौसे आजम ने हुक्म दे दिया है, और फौरन उस कश्ती को पार कर देती है। दूल्हा भी सही है, दुल्हन भी सही है, दोस्तों अहबाब भी सही है। दुनिया कहती है, अरे गौसे आजम, मैं अपने बेटे से तो बात भी मिलूंगी, पहले मुझे कलमे तैयब पढ़ा के मुसलमान बना दो, और कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मुसलमान हो जाती है। इसीलिए शायर ने क्या ही खूब कहा है कि परसों पहले डूबी कश्ती हो गई किनारा, परसों पहले डूबी कश्ती अरे हो गई किनारा, अरे गौसे आजम ने किया जब उंगली से इशारा, गौसे आजम ने किया जब उंगली से इशारा, और मैं आदरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है, आदरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है। अरे जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है, जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है, बिरादरान इस्लाम, यही गौसे पाक है। गौसे सतलें सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बाजार से गुजर रहे हैं, जिसमें पाक पर कीमती तिबा है, तिबा मतलब छुपा होता है, कीमती तिबा है। एक चोर उस तिबा को देख लेता है और आपके पीछे हो लेता है ताकि किसी तरह वह तिबा चुरा सके। गौसे आजम अपने हुजरे वलायत में दाखिल होते हैं और चोर भी किसी तरह अंदर दाखिल हो जाता है। गौसे आजम अपना तिबा उतारकर बगर में रख देते हैं और इबादत-ए-इलाही में मसरूफ हो जाते हैं। चोर को मौका मिलता है
चोर चुपके से उठा, सेवा बगल में दबाकर दरवाजे के पास पहुंच जाता है। दरवाजा बंद पाता है, अंधेरी कोठरी है। चोर दीवारों पर हाथ मार मार कर दरवाजा तलाश कर रहा है, मगर दरवाजा नहीं मिल पा रहा है। अरे मिलता कैसे, गौसे पाक का पाक घर और घर था। इधर उधर वह चोर दरवाजा तलाश कर रहा था और इधर गौसे आजम उसके लिए वलायत का दरवाजा खोल रहे थे। आप नमाज से फारिग होते हैं, दरवाजे पे दस्तक की आवाज आती है, इरशाद फरमाते हैं कौन, जवाब मिलता है अना वली जमी मलकान, ये सैयदना का खिज्र, सैयदना खिज्र का इसमें गरामी है। दरवाजा खोल दिया जाता है, आप अंदर तशरीफ ले आते हैं। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं ए खिज्र इतनी रात को कैसे आने हुआ। तो खिज्र ने जवाब देते हैं फला इलाके का अबताल वसल कर गया है, उस इलाके के लिए अबताल लेने आया हूँ। चोर अंदर छिपा बैठा हुआ है और खौफ और दहशत से बेहाल हो रहा है। अब उसे यकीन हो गया है कि अब पकड़ा जाऊंगा, अब चकड़ा जाऊंगा। लेकिन चोर ना पकड़ा जाता है ना चकड़ा जाता है, इसलिए वो बारगाहे वली में है जिसकी शान है अला इन्ना औलिया अल्लाह इला बड़ा वाली का बारे है जरूर। बेशक औलिया अल्लाह को ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम होता है, और निस्बत के बाइस जो उनसे जुड़ जाता है वह भी बेखौफ और बेगम हो जाया करता है। गौसे आजम कहते हैं खिज्र अलैहिस्सलाम सुबह तक किसी को मुकर्रर कर दिया जाएगा। खिज्र जवाब देते हैं सुबह तक अगर वह इलाका हलाक हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। गौसियत माफ के पहरे बेकर आपी रहमो करम की मौजूद और अर्ज करते हैं अच्छा जाइए कोने में एक अब्दाल बैठा हुआ है उसे लेके जाइए। खिज्र अलैहिस्सलाम कोने में तशरीफ ले जाते हैं और जाकर कहते हैं ऐ अब्दाल हमारे साथ चलिए, ऐ वली हमारे साथ चलिए। चोर बोल उठा है मैं वली नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, मैं अब्दाल नहीं हूँ, मैं डाकू हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ। खिज्र जवाब देते हैं अभी तक आप चोर थे, अभी तक आप डाकू थे, अभी तक आप बुरे थे, लेकिन गौस की नजरें करम थी आपको चोर नहीं रहने दिया, गौस की नजरें करम थी आपको डाकू नहीं रहने दिया, गौस की नजरें करम थी आपको बुरा नहीं रहने दिया, बल्कि गौस की नजरें करम ने आपको तो वली बना दिया है, गौस की नजरें करम ने आपको तो अफजल बना दिया है, गौस की नजरें करम ने आपको तो ईमान वाला बना दिया है। बिरादरान इस्लाम जब गौस आजम की नजरें करम ने पिंडों में चोर को वली बना दिया तो रसूल आजम की नजरें करम का अलग क्या होगा। इसीलिए तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की छोड़ी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की छोड़ी। अरे मोहताज जब ये आलम है, मुहतान का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आज मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मैं अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ करूंगा, मेरे बोलने में और आपके सुनने में जो कोई खता या गलती हो गई अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने बारगाह में माफ करें और जो जो सही बोला गया उसे अपने बारगाह में कबूल व मक़बूल अता फरमाए। व आखिर दुआ अल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।